फ्रेंड्स ये देखिए हम पहुंच गए अभी पहाड़ों में और यहाँ हम गाड़ी से उतर गए हैं। यहाँ से पैदल रास्ता है, पैदल रास्ते से जाएंगे। ये देखिए इतने बड़े बड़े बैग उठा के। अच्छा ये देखिए फ्रेंड्स, ये है जंगल के रास्ते, पहाड़ों के रास्ते, और यहाँ से पैदल बड़े बड़े बैग उठा के हम चले हैं अभी। और ये देखिए ये इतना बड़ा बैग उठा। तो आप लोगों ने आज जो हम आपको बता रहे हैं, देखो पहले टाइम में और आज के टाइम में बहुत फर्क है। एक तो केमिकल वाली चीज़ें हम खाते हैं, ठीक है। अब जैसे टमाटर पर स्प्रे कर देते, सब्जियों पर स्प्रे होती है, ठीक है ना, सारे केमिकल है ना, केमिकल हमारे अंदर जाएंगे तो क्या बीमारी लगेगी, कैंसर बहुत जल्दी, हर एक तीसरे घर में कैंसर का मरीज मिलेगा, ठीक है। तो आपने इन बीमारियों से बचना है, अपने बच्चों को बचाना है। सबसे पहली बात, आप कोई भी सैनिटरी पैड यूज़ करते हो, आप देखिए आपके मार्केट से, आप इसकी एक्सपायरी डेट कौन कौन चेक करता है? बहुत कम लोग करते हैं, आप में से कोई भी करता, ठीक है। क्या करते हैं, लेके आना उसमें लिफाफे में पैक करना, हम लेके आते हो, कभी एक्सपायरी डेट नहीं चेक करना, ठीक है। लेकिन जब आप एक दवाई खाते हैं पेट दर्द का बढ़ जाते हैं, तो आप उसको चेक करते हो, क्यों करते हो, क्योंकि वो खाने में पर ये क्या करना है, लगाना है। जितना खाने से नुकसान है उतना ही लगाने से नुकसान, ठीक है। तो आपको क्या है, कोई भी खाने की चीज़ हो, लगाने की चीज़ है, उसकी डेट चेक करता हूँ, ठीक है। मान लो ये 2 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, तो क्या होगा, अगर इसको लगा दोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आपने क्या करना है, जब भी आप लेके आओ तो इसकी चेक करनी है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये आपने इसको लेके आते हो तो चेक नहीं करते। एक बार मैं कॉलेज में गई थी, यदि आप चेक करते हो फिर खानी नहीं होती, उससे बंदा क्या होता है, उसे एकदम मर जाता है। अगर आपने गलत दवाई खाती है, आज खा ली तो कल तक टपकी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन अंदर बढ़ता रहेगा, ये एकदम नहीं मारता, थोड़ा थोड़ा करके मारता, बीमारी बनेगी, 5-7 साल में ये बड़ी बीमारी बन जाएगी इससे, ठीक है ना। आपके पास सबके पास फोन है, गूगल पर सर्च करना, एक सैनिटरी पैड से डिस्पर्स के थ्रू जो भी आप मार्केट का एक चीज़ लेके आते हो, उससे हमें कितने तरह की बीमारी होती है, कितने तरह का कैंसर होता है। एक सैनिटरी पैड से हमें 9 तरह का कैंसर होता है, एक यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड की प्रॉब्लम, ट्यूबर ब्लॉक होना, ठीक है ना, ब्रेस्ट कैंसर, बांझ पर जैसी शिकायत है, कई बार याददाश्त कमजोर होना, ठीक है ना, और कुछ भी ऐसे क्या ट्यूबर ब्लॉक हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे बीबी नहीं होता, बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होंगे तो इलाज कराते रहते हैं, लेकिन इन्फेक्शन के लिए दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर, जितने दिन खाएंगे उतने दिन ठीक है वो ही हाल, ठीक है ना। लेकिन इसकी वजह से होती है सारी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आप लोगों को आज हम यही बताएंगे कि इससे कितने तरह की बीमारी है, ठीक है। आप जैसे हम पे ना विश्वास करो, आप गूगल पर सर्च करें, ठीक है। तो प्रमाणित है, ये WHO से प्रमाणित है, 1200 पेडियाट्रिक की देख रेख की, ठीक है, 1200 पेडियाट्रिक की देख रेख की होना है। पहली बात तो ये बिस्किट की डिब्बे की तरह है, ठीक है ना, इसमें आपको ये पता नहीं लगेगा इसमें पैड है, ठीक है। और इसकी जो टोटल पैकिंग हो, इसमें फॉइल पेपर में जिसमें हम रोटी वगैरह रैप करते हैं, रोटी वगैरह जैसे देते बच्चों को या कोई भी जा रहा होता है तो उसको रोटी क्यों मैं करते हैं, उसमें फॉइल पेपर में, ये फॉइल पेपर है, ठीक है, इसमें कहीं भी प्लास्टिक नहीं मिलेगा। और ये रिसर्चों के आया है, ये ऐसे नहीं आता, इसमें हमने 1 करोड़ रुपए के पैड दे दिए, लेकिन किसी एक में कंप्लेंट नहीं आई है, हम खुला किसी वापस देखते हैं, क्योंकि ये रिसर्च होके आता है, ऐसे नहीं आता है कि ऐसे हमने बनाया घर में और बेच दिया, ठीक है ना। इसमें किसी भी पैकेट में आपको कंप्लेंट नहीं आ सकती, ठीक है। 1200 वैज्ञानिकों की देख रेख में बनाया है, 50 ml पानी लिया हमने और पहले मार्केट वाले पे डाला, इतनी जल्दी ब्लीडिंग नहीं होती, ब्लीडिंग हमेशा किस में होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, थोड़ी थोड़ी होती है। और ये 50, एक लेडीज को जो ब्लीडिंग होती है पूरे दिन में कितनी होती है, 45 से लेकर 60 ml चल होती है। अब इतना ही जितना इस पे डाला उतना ही हमने इसमें भी डाल दिया, 50 ml लेडीज को, ठीक है। अब आप इसको टच करके देखो, एक लेडीज को जो ब्लीडिंग होती है पूरे दिन में 45 से लेकर 60 ml के बीच में, आप लोगों ने किया कि ये ज्यादा गीला है और ये सूखा है, ठीक है। अब हम इसमें बराबर बराबर पानी और डालेंगे, ये 50 और डाल दिया, 100 ml हो गया ना,
चास पहले डाला था, चास बाद में डाला, तो 100 ml हो गया इसमें। ये 50 और नहीं है, कितना हो गया? 100 हो गया ना दोनों में, ठीक है। अब देखो आप, अब ये तो एक्स्ट्रा हो गया इसमें, की जरूरत नहीं है, तो ऐसे निकल रहा है बाहर। इसका मतलब अगर इतनी ब्लीडिंग होगी, इससे कम भी होगी, तो आपके कपड़े गंदे होने ही होने, क्योंकि वो तो बाहर जाएगा फिर, जब इसमें वो ऑब्जर्व ही नहीं होगा तो वो बाहर चला जाएगा। ये देखो, ये बिल्कुल गीला है। और इसको दूसरे को देखो आप, इसको देखो टच करके। अब देखो इसमें, हाँ अब इसमें ये बताना है आपको कि इसकी वजह से प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या चीज़ है इसमें ऐसी कि हमारे को इतनी प्रॉब्लम होती है लेडीज को, ठीक है। इसकी फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर जो है ना, ये पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है, इसमें कहीं पे भी इसमें कहीं हवा नहीं जाएगी। अब क्या चीज है, अगर हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो क्या होगा, मर जाएंगे सांस घुट के। तो उसी तरह से जब हमारी बॉडी को हवा नहीं जाएगी, तो क्या होगा, इन्फेक्शन होना। अरे अरे देखो गिली है, इसका मतलब कपड़े खराब होने, तो जो डर हमारा बना रहता है कि कपड़े खराब होंगे, वो तो नेचुरल चीज है। ये इसकी सेकंड, ये सेकंड लेयर है। ये क्या चीज है, ये देखो बताओ जरा क्या है, ये लग रहा है कुछ कॉटन लग रही है ना, अगर ये कॉटन हो तो कुछ तो ऐसा लग रहा है। तो ये बिल्कुल गीला है, घोड़ी की रीत से बनाया जाता है, जिसको रिसाइकल करके यानी साफ करके इसके अंदर डाल दिया गया है। इसके अंदर केमिकल है डायक्सिन, लियोन, सेल्यूलोज, डीओ, ठीक है ना। डायक्सिन का जो यूज होता है वो पैड को कलरफुल करने के लिए किया जाता है, यानी वाइट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ये और रेयॉन का जो यूज होता है वो पैड को सोखने की क्षमता के लिए किया जाता है, ठीक है। डीओ सेल्यूलोज का जो यूज होता है वो नैपकिन कंपनियां जो है अपने पैड को खुशबूदार करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, बेहतरीन बनाने के लिए। लेकिन ये केमिकल कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इतने हानिकारक होते हैं कि इससे हमें यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड जैसी प्रॉब्लम, बांझ पने की शिकायत, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, कई बार ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो ये दुनिया पर इसकी लास्ट लेयर है, ठीक है ना। आप सबको पता है जब पीरियड आते हैं तो बच्चा दाने का मुंह खुला होता है, उसे हवा की जरूरत होती है, फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, इसे हवा अंदर नहीं जाएगी, तो फिर इसे हवा जाएगी आपको अंदर नहीं जाएगी ना। जब आप ये पैड लगाते हो कितने, मतलब आपको कई बार उल्टी का मन होगा, पीटी हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, पेट में दर्द, कमर में दर्द, 8-8 दिन तक बिस्तर नहीं उठो, बिस्तर से नहीं उठ पाते। क्यों नहीं उठ पाते, क्योंकि हवा क्रॉस नहीं होती, देखो प्लास्टिक है। और इसकी जो पीछे की गम भी होती है ना, गोंद होता है, वो कई बार हमारी पैंटी से चिपक जाता है, तो निकलता ही नहीं। दूसरी बात है, उस दौरान कितनी गंदगी, कितने कीटाणु हमारे अंदर से बाहर आते हैं, वो कीटाणु डबल ट्रिपल होकर बैक अंदर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें बीमारियाँ लगेगी, ठीक है। और ये बिल्कुल क्या है, प्लास्टिक है। इससे बचो, हम बार बार कह रहे बचो इससे, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, हमें बच्चों को बचाओ। और ये बिल्कुल क्या है, गीला है, ठीक है। देखो एक तो क्या होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, दूसरे जब ये पैड लगाते हैं गीला ही रहता है, गीले में हमेशा क्या होता है, इन्फेक्शन। अगर इस चीज़ को आप जलाएंगे तो ये जलेगा, मिट्टी में दबाएंगे वो मिट्टी में बनेगा। तो आप खुद सोचो, जो जलाने से जलता है, मिट्टी में दबाने से मिट्टी में बनता है, कितना हानिकारक है, ठीक है ना। तो ये जो है वो बहुत खतरनाक है। अगर ये किसी दूध देने वाले पशु के मुंह में चले जाए ना, तो पशु दूध नहीं देगा, क्योंकि इतना हार्ड प्लास्टिक है ये। और जब आप इसको जलाते हो, जो इसका धुआं होता है ना, वो भी हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है ना। तो इससे बचो आप, ये बहुत खतरनाक है। अब ये देखो, ये एरिस्का है, यूज तो नहीं करता कोई यहाँ पे, ये एरिस्का है, ये एरिस्का है, ये WHO से प्रमाणित है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसमें दवाई लगनी है, ठीक है। ये पैड तो ऐसे होते हैं, अगर हमारे पास प्लास्टिक का, तो उसका जैसे पैंटी में लगाया ना, तो उसका जो लास्ट वाली लेयर थी पैंटी में रह गई, चिपकी हुई थी, इतना हार्ड था उसका घाव, है ना। ये देखो फर्स्ट लेयर, ये इसकी फर्स्ट लेयर है, ये गिल्ली लग रही है आपको, सूखी है ना, क्योंकि उठ रही है, ठीक है ना। और ये पता कौन सा कपड़ा है, जो डॉक्टर लोग पट्टी में यूज करते हैं, ठीक है। और ये प्योर क्या है,
अगर इसको आप लगाओगे ना बॉडी से टच करोगे जब पीरियड आएगा तो बिल्कुल ड्राई रहेगा, बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये बिल्कुल क्या है सुपर है। ये क्या है एनर्जी, जितने भी कीटाणु हमारे अंदर से बाहर आएंगे इसके ऊपर आके खत्म हो जाएंगे, इसका जो है एनर्जी का लेवल बढ़ेगी हमारे, जब पीरियड आएगी कोई थकान नहीं, कोई आपको पेट में दर्द नहीं, कमर में दर्द नहीं, बिल्कुल आप भाग दौड़ के काम कर सकते हैं, एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। ये है जी असली कॉटन, वो कॉटन थी ना गिल्ली थी ना, ये असली कॉटन, और ये बिल्कुल क्या है सूखी है, ठीक है ना। पहली बात तो इस ये क्या है, जब डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो इस कॉटन को यूज़ करते हैं। दूसरी बात, जब डिलीवरी होती है ना हॉस्पिटल में बच्चा होता है तो डॉक्टर क्या देते हैं, कॉटन के रोल बना कर देते, वो कभी पैर में देगा आपको, क्या देते हैं ये कॉटन के रोल, ठीक है, इससे बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। ये है जी जेली, ये जो जेली है ये किस चीज़ की है, एलोवेरा की और बनाना जेली, यानी केले की तरह, ठीक है ना। केले का तरह क्या होता है, ठंडा होता है, जब आप ये पैर लगाओ तो बिल्कुल आपको ठंडक मिलेगी और दवाई आपके अंदर तक जाएगी, जो आपका इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करेगी, ठीक है। ये देखो मैंने इसमें 100 ml पानी डाला ना, ये बिल्कुल क्या है सूखी है, ठीक है ना। अभी मैं इसका बताऊँगी आपको जेली का, देखो कुछ पैरों में जली जाती है ना वो इतनी इतनी होती है, बच्चों के डायपर में भी होती है ना, वो प्लास्टिक की है, अगर वो ज़्यादा देर तक बच्चों में रहेगी तो उसको भी बच्चों को इन्फेक्शन होता है। और पैड में जब आप वो पैड यूज़ करते तो हीट देता है ना पैड, कई बार हीट देता है, वो हीट देगा, क्यों देता है, क्योंकि वो जो प्लास्टिक की जली होती है वो हीट देती है, ठीक है ना। लेकिन ये किस चीज़ की है, एलोवेरा की और गेंदे के तने की, ये जब आप पैड यूज़ करोगे तो ठंडक देंगे। ये है जी मास्क, डॉक्टर लोग लगाते हैं ना मास्क ग्रीन कलर का, जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, क्यों लगाते हो, ताकि कोई इन्फेक्शन ना पकड़े उनको, तो वो क्या लगाते हैं मास्क लगाते हैं, उसमें भी दवाई होती है जो वो ग्रीन कलर का ऑपरेशन थिएटर में लगा, ये वही चीज़ सेम है, लेकिन ये क्या है वाइट कलर की और इसमें भी दवाई लगी हुई है, ये बिल्कुल क्या है, ये पैड बिल्कुल कॉटन बेस है, ठीक है ना। सूखा है बिल्कुल, मेरे हाथ में सूखे, इसमें क्या है ये 5 लाइनें हैं, ठीक है, फट गया थोड़ा सा, 5 लाइनें हैं इसमें, ये हवा क्रॉसिंग के लिए लास्ट लेयर है, इसमें 80% कॉटन है, 20% सिल्क है, ताकि लीकेज ना हो, हमारे कपड़े ना खराब हो, इसको आप जलाओगे तो जल जाएगा, बिल्कुल राख बन जाएगा, और मिट्टी में जलाओगे तो मिट्टी बन जाएगा, ये बिल्कुल क्या है सूखा है। और जो इसकी गोंद भी होती है वो सप्लीमेंट के लिए, मतलब जब आप इसको प्योर आयुर्वेदिक है, जब आप इसको लगाओगे तो बिल्कुल आराम से निकलेगा, ये बिल्कुल क्या है सुपर है। अब देखो जी ये जो जेली है, इस पैड की जो सोखने की कैपेसिटी है 400 ml है, 24 घंटे में पैड में कंफर्टेबल लगेगा, एनर्जी का लेवल बना रहेगा, इसमें से बिल्कुल क्या निकलेगी, पानी की बूंद भी निकली, एक बूंद बूंद निकाल दो आपको आधा जब आ जाएगा इस पर, ठीक है। और इसका क्या क्या फायदे है, फेस मसाज कर लो आप, हाथों पैरों में जलन है तो उसकी मसाज कर लो, ठीक है ना। और कहीं मतलब एलर्जी हो रही है तो जल जाता है कहीं तो उसकी मसाज करो, क्योंकि एक हमेशा ठंडा होता है। अच्छा जी ये है, लेकिन आपका पहला चलन है पौधा चला होता है, किसी को पेट पानी की दिक्कत है, किसी के पेट का पीड़ो, किसी के बहुत ज़्यादा पीरियड है, और किसी की कम माँ और किसी का, ठीक है, गैस बनी, इन्फेक्शन है अंदर बहुत ज़्यादा, ये डेली लगाना है, ये डेली वाला है, ये इतना खा है, ये डेली लगाना बिना पीड़ होते हैं, बिल्कुल बाथरूम वाली जगह से टच होना चाहिए, जो ग्रीन चिप पे हरे रंग की चिप पे ये बाथरूम से टच होना चाहिए, इन्हें इन्फेक्शन खत्म होगा, ठीक है। किसी को बहुत दर्द हो, मतलब जो मर्जी इन्फेक्शन है, रसौलिया पानी वाली छोटी शुरुआत है, पानी वाली रसौलियाँ खत्म करते हैं, बड़ी रसौली नहीं होती, ठीक है ना। और कुण नहीं लो, और जी दूसरी बात, पानी वाली रसौली निकल जाएगी,
पहले दिन मैं 12 घंटे में निकाल के पानी वाली सोनी स्कूल को, ठीक है ना, हर पैर में एक किट मिलेगी जिससे आप अपना इन्फेक्शन खुद चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो 1000-2000 लग जाता है चेक कराने में, बिल्कुल फ्री में हर पैर में। इसमें क्या है, आपने क्या करना, ये देखो, ठीक है, आपका जो सुबह का बाथरूम है या डेट आई है उसमें देख करके यहाँ लगाना है, ठीक है, ये येलो कलर। अगर येलो ही कलर आया तो सब इन्फेक्शन नहीं है, अगर आगे लाया तो भी 40-60 महीने का कोर्स से 6 महीने फर्क तो सब साफ का देना देना जरा जाना, लेकिन कोर्स पूरा करना, यानी भी आज लगाई जाए 4 दिन हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। जब पीरियड आने तो ये पीरियड आ रहा है, ये क्या है, ये ज़्यादा भी ना कि आठा पिसा वाला जी हाँ, रात आसान ज़्यादा ब्लीडिंग हो, क्यों, क्योंकि बॉडी आसान ही रिलैक्स आ रही है, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा ब्लीडिंग आके, ये 10 वाला कम ब्लीडिंग आके, और ये अब लॉन्च हुआ है हमारा, ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो और इजीली तीन हज़ार टे दिन का खराब ही नहीं होता, ये 2 दिन का खराब है, ठीक है ना। और इतना अच्छा है ना ये बीज की कोई तारीफ ही नहीं कर सकते, जितना भी इन्फेक्शन है से भी खत्म हो जाओ इन्फेक्शन चीज सेम है, लेकिन पैरासाइड 5 दिन का चलाओ, ठीक है। लेकिन ये हमारे साथ डेली का चलाएगा तो इसमें इन्फेक्शन पूरा खत्म करता है। क्या करना, बाथरूम में जाना, बीच से फाटना है यहाँ से, ठीक है, ये खत्म क्या है और तब ओपन किया पैंटी उठानी तब लगा, ठीक है। सफाई का ध्यान रखना, डिटॉल और पानी से नहाओ, किसी के एलर्जी के बाथरूम बार बार आ रहा, बच्चा दानी का बोझ पड़ रहा, जैसा मत दिन उसको लगाना पड़े ना, नहीं लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये पहले इसकी कीमत 160 है, ये भी 170 है, लेकिन ये चलना कितना दिन, 5 दिन। ये है जी पेस्ट, साबुन तो हमारे सारे चले गए, उसका फेशियल होता है फेस का, ठीक है ना, वो अब ख़त्म हो गया। ये पेस्ट है, किसी के दांतों में ठंडा गर्म लगता है, बच्चे जैसे वो खाते चॉकलेट वगैरह दांत दांत सड़ रहे हैं, दांत दूर लिए ठंडा गर्म लग रहा है, ये लगाना, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। नंबर एक क्या करना, बस थोड़ा सा लिया पेस्ट, उसमें गुलाब जल डालना और उसको पैक करना 10।